तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है। मैं हूँ अनिल बागुल। जो आज का वीडियो है तो बहुत ही खास है, तो आपने समझ गए होंगे कि ये किस चीज़ का काम चल रहा है। तो दोस्तों, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाता हूँ और बनाता रहूँगा, और मेरा चैनल का नाम है ऑटो रिक्शा ज्ञान। तो वीडियो शुरू करने से पहले चलो वीडियो को शुरू करते और देखते। तो फिलहाल दोस्तों, ये गाड़ी का जो काम चल रहा है, तो आगे का फॉर्क है, उसके लिए पहले आपको व्हील खोलना है, उसके बाद आपकी बेरिंग है जो, वो भी चेक कर लेनी कि वो बेरिंग में प्ले है या नहीं। तो दोस्तों, ये ऐसे फॉर्क आउट के बहुत सारे वीडियो में बनाता हूँ और बनाते रहूँगा, क्योंकि हर एक गाड़ी का अलग अलग मसले होते हैं जो आपको समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने उसको फुल वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, ये क्यों होता है, इसका कारण क्या है, तो गाड़ी चलाने वाला नया हो या पुराना कोई भी बंदा हो, तो फिलहाल ये गाड़ी कम से कम 100 किलोमीटर से नासिक में आई है, और ये गाड़ी है अहमदनगर श्रीरामपुर की तरफ की। तो दोस्तों, उस तरफ ये काम होता नहीं, इसलिए बंदा ये शायद या कोई काम से यहाँ आया होगा, पर फिलहाल हमारा काम है उस बंदे को गाड़ी जल्दी से जल्दी बना के उसको रवाना करना है, क्योंकि रात का समय हो गया और उसको तकलीफ़ ना हो, इसलिए हमने ये काम बाकी काम छोड़ के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, फिलहाल वो बात की बात है, और ये बात समझ लो फॉर्कआउट क्यों होता है और कैसे होता है। तो पहले ये बात समझ लो दोस्तों, TVS हो, बजाज हो, या फिर कोई दूसरी कोई भी कंपनी की तीन पहिया गाड़ी, ऑटो रिक्शा, ये प्रॉब्लम क्यों होती है। तो दोस्तों, आप कम से कम गाड़ी में 50-60 के आगे की स्पीड हो, और सामने रास्ते में स्पीड ब्रेकर आने के बाद आप ब्रेक न मारने के बाद गाड़ी सीधा स्पीड ब्रेकर से चली जाती है। तो दोस्तों, ये ना करें, क्योंकि उसी के कारण फॉर्कआउट या पिन सेट चला जाता है। एक बार ठीक है दोस्तों, बार बार करने के बाद और गाड़ी खड्डे में कोई भी खड्डे या बड़े बड़े इसमें जाने के बाद जो आगे का फॉर्कआउट है उस पर लोड आता है और वो ख़राब हो जाता है, और गाड़ी एक तरफ खींचने लगती है। तो ये भी ध्यान देना है, गाड़ी लेफ़्ट साइड खींचती है या राइट साइड, क्योंकि फॉर्कआउट करते समय अपने को सामने लोगों को बताना पड़ता है। फिलहाल तो फॉर्कआउट खुल चुका है अभी शॉकअप सर, वो भी खोल लेना है, क्योंकि दोस्तों आप गाड़ी के खुद ऑनर हो या फिर रेंट पे चलाते हो, उम्र के साथ साथ ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि फॉर्कआउट क्यों होता है। वो फॉर्कआउट जो आप गाड़ी चलाते समय, गाड़ी में कोई पैसेंजर बैठा भी ना हो तो भी गाड़ी चलाते समय बहुत सा हाथ दर्द दुखता है, यानी हाथ जो कंधे में दर्द होता है गाड़ी चलाते समय, उससे फॉर्कआउट या फिर पिन सेट जाने के बाद होता है। तो गाड़ी का हैंडल छोड़ने के बाद गाड़ी का हैंडल खूब एक लेफ्ट या राइट तरफ खींचता है, तो वो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्कआउट है या पिन सड़ गया है। उसके बाद दोस्तों, फॉर्कआउट खोलते समय बहुत से ऑटो ड्राइवर कुछ गलतियाँ ऐसे करते थे, उनको समझ में नहीं आती है और मिस्त्री को तकलीफ़ होती है समझने में कि नक्की यानी उसमें क्या करना है। तो फिलहाल आपको हाइड्रोलिक सिस्टम जो है वो फिलहाल फॉर्कआउट कैसे निकालते हैं, उसका वीडियो फुल वीडियो है आज का। तो दोस्तों, अभी फिलहाल जो भी चीज़ें खोल के एक जगह रख देनी है, क्योंकि वो फिलहाल चीज़ें खो ना जाए और आपको नए लेने के लिए पैसा आपका खर्चा ना हो, इसलिए हम एक जगह रख के अभी फ़िलहाल फॉर्कआउट निकलने के लिए उसको दूसरी जगह लेके जाने वाले। तो दोस्तों, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट कर दिया है, क्योंकि आपको हर चीज़ समझाने के लिए मेरे पास भी टाइम कम है और दूसरे भी काम होते हैं। तो फिलहाल अभी दोस्तों, मेरा दोस्त इमरान और मैं हाइड्रोलिक सिस्टम से जो फॉर्कआउट निकलता है वो कैसे करते हैं ये देख लेना है दोस्तों, क्योंकि आपको पता नहीं हट जो वेल्डिंग करनी की है या फिर उसका आउट कौन से लेफ्ट या राइट साइड है वो बताने के बाद हाइड्रोलिक सिस्टम से फॉर्कआउट निकलना है, क्योंकि कभी कभी उसमें क्रैक पड़ जाता है और उसको वेल्डिंग करने के बाद फिर उसको दोबारा ये करने से खर्चा बढ़ता है, और दूसरा वो क्रैक बढ़ने के कारण हैंडल खराब हो जाता है। दोस्तों, फिलहाल और पिन सेट ऐसे बहुत से जो वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अभी फिलहाल ये एपे गाड़ी का है, तो इसलिए मैंने जल्दी से वीडियो बनाया। तो बहुत से दोस्तों को ये भी जानना ज़रूरी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी बहुत से वीडियो फोर स्ट्रोक गाड़ी के जो प्रॉब्लम आते हैं, ऑयल से लेके मशीन का, क्लच पेट, और उसके बाद वायर सेटिंग जो भी हो क्लच और गियर की, सब के वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। तो उसकी लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा, आप ज़रूर देखना है और शेयर करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, वीडियो अभी फ़िलहाल ख़त्म होने पर है, और ज़रूर आपको लाइक करना है और कमेंट करना है और मुझे फॉलो भी करना है, जिसके कारण आपको नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, फ़िलहाल मैं हूँ नासिक से अनिल बागुल, और ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपका सभी का स्वागत है। वीडियो
आपको अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। फिलहाल दोस्तों फॉर्क आउट तो निकल चुका है और अभी चेकनेट होते ही बंदा को अपने अपने शहर जहाँ रहता है वो चले जाएंगा और अपने को अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो फिलहाल मेरा दोस्त इमरान और मैं अनिल बागुल आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपको पसंद आए इसके लिए मैं भी आपको वीडियो के अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकूँ, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। आपके लिए ही बनाते हैं हम ऐसे वीडियो, क्योंकि फिर बाद में दोबारा वीडियो अपलोड करने के लिए टाइम नहीं मिलता है, एडिटिंग रहती है, बहुत सारा काम रहता है, खुद का भी देखना पड़ता है और आप लोगों का भी, दोस्त लोगों का भी देखना पड़ता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, ज़रूर देखना। ये देख सकते हैं आप, ये गाड़ी MH 17 है, मतलब श्रीरामपुर अहमदनगर का जो उसका जो डिस्ट्रिक्ट है और हम नासिक MH 15। तो फिलहाल दोस्तों फॉर्कआउट पूरा हो चुका है और उसका जो हैंडल का काम है जो चेकनेट का भी फिलहाल ख़त्म होने का है, क्योंकि शाम होने को आई है, दूसरी भी गाड़ियों का काम बाकी है फिलहाल, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी अंधेरा होने से पहले उसको रवाना होना है अपने अपने शहर में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो कुछ भी आए अच्छा हो तो ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, क्योंकि आपके जैसे ही ऑटो ड्राइवर के लिए बना तो हम ऐसे वीडियो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। मैं अनिल बागुल।